कोचिंग उतना चला नहीं है इस बार, तो ऑनलाइन का भी व्यवस्था सब लोग के पास है नहीं, एकदम मजबूरी नहीं है। जब कितना लेकिन तो होगा कि पढ़वो नहीं किया होगा तो वो भी आ ही नहीं रहा बेचारा, रो ही रो के एग्जाम न देगा। तो पढ़ाई हुई नहीं पूरी तरह से, जितना हो सकता है देखिए जाते हैं। हार्ड था क्वेश्चन जो कि हम पढ़े उड़े नहीं थे कोरोना के कारण, ढंग से पढ़ाई नहीं हुआ था, फिर भी जो आया जो लिख दिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी लाचार है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड एग्जाम यानी परीक्षा लेने में नंबर वन है पूरे देश में, और जो परीक्षार्थी हैं यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे हम जानने के लिए पहुँचे हैं कि कितनी तैयारी है और कितनी लाचारी है, ये तमाम सवाल है। छात्रों से हम बात करेंगे और जानेंगे कितनी तैयारी आई करके आए। पूरी तैयारी करके आए सर। क्या चीज़ का एग्जाम? मेरा है हिंदी का आज। हिंदी का? हाँ। दूसरी पाली का है? हाँ दूसरी पाली का। पहले कितनी तैयारी कर, कितनी तैयारी करके? फुल तैयारी है सर। परीक्षा टाइम पर हो रहा है, कितनी तैयारी है अभी सर? लॉकडाउन में तो स्कूल खुला हुआ था नहीं, पढ़ाई उतना भर तो हुआ नहीं सर, अब एग्जाम बंद था तो पढ़ाई हुई नहीं पूरी तरह से, जितना हो सकता है देखिए जाते हैं। अच्छा है ये सर? ये सर पूरी लाचारी है। हाँ कितनी तैयारी है? पूरा लाचारी है सर। पूरा लाचारी जी। कैसे? पूरा स्कूल तस्कूल कोचिंग सब बंद है, उसी वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, इसी वजह से कुछ दिक्कत आएगी अंदर। यही सवाल बहुत सारे मन में होंगे। बहुत बहुत है, बहुत लाचारी है। कितनी तैयारी? वही है सर, ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा बहुत किया है। पूरा नहीं हुआ? पूरा नहीं हुआ। लाचारी है? हाँ। कितनी तैयारी है? थोड़ा बहुत किए हैं अपना, जानते हैं स्कूल सब तो बंद ही है, कोई ऑनलाइन क्लास किए हैं, कोचिंग वोचिंग तो बंद ही हो गया है, जितना जो हो सका नहीं हो ऑनलाइन क्लास किए हैं, बाकी तैयारी नहीं नहीं हो पाए बढ़िया से। तो कितनी कितनी उम्मीदें लग रही है कि हम पास कर पाएंगे? उम्मीद है 90% थोड़ा पर है। कुछ और भी छात्र हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। कितनी तैयारी है? हम एग्जाम देकर आए हैं। हाँ गया ठीक गया है, लेकिन थोड़ा कुछ हार्ड था क्वेश्चन जो कि हम पढ़े उड़े नहीं थे कोरोना के कारण, ढंग से पढ़ाई नहीं हुआ था, फिर भी जो आया जो लिख दिए। तो लाचारी इसे माना जाए? हाँ इसे तो लाचारी ही माना जाए, क्योंकि कोरोना की स्थिति में तो हम सब पढ़े नहीं ढंग से, तो लाचारी ही माना जाएगा। शिक्षकों को तो शराब पकड़ने और सूंघने के लिए लगा दिया गया बस। हाँ, हाँ। कोरोना है तो मजबूरी है बस एग्जाम देना बस। हाँ हम लोग का मजबूरी है कि एग्जाम है, मेरा जो करियर आगे बढ़े इससे वजह से एग्जाम। कितनी है तैयारी? सही है, तैयारी है सही है, लाचारी नहीं नहीं नहीं। कितनी तैयारी करके आए? पूरी करके आए, पूरी करके आए, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ ओवर कॉन्फिडेंस है कि आ सकता है। ऐसे छात्र हैं जो पूरी तैयारी करके आए हैं, कितना तैयारी है? क्या सर अभी तो जाके अब लिखेंगे तब ना वहीं पर पता लगेगा कितना तैयारी है। ऐसे तो आदमी हर कोई बोलता है कि हम इतना तैयारी करके आए हैं, वहाँ पर जाके लिखाएगा उसके बाद ही ना पता लगेगा कि कितना पानी में कौन है, ये सब होगा। और क्या सर पढ़ाई हुआ था? क्या लॉकडाउन में तो बंद हो गया था सर, तब क्लास कोचिंग हुए में हुआ तो हुआ ना तो वो भी बंद हो गया। जब तक कोरोना काल रहेगा जब तक नहीं पढ़ाई रहेगा, जो पास ऐसी थोड़ी करेंगे। कोई कोई पिछला बार तो ऐसी रिजल्ट सबको पन मिल गया था लगता है कि कोरोना में ऐसे से पास हो गए थे। जो कितना लेकिन तो होगा कि पढ़वो नहीं किया होगा तो वो भी आ ही नहीं रहा बेचारा, रो ही रो के एग्जाम न देगा। माने खाली हाजिरी गिना रहा है हम एग्जाम दे रहे हैं। सर पूरा तरह से बच्चे लोगों की तैयारी हुआ नहीं है, और टीचर क्लास कोचिंग उतना चला नहीं है इस बार, तो ऑनलाइन का भी व्यवस्था सब लोग के पास है नहीं, तो इसलिए मतलब सरकार को थोड़ा बहुत इस पर ध्यान देना चाहिए। और पहली बात ये है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, आधा घंटा ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जा रहा है, एक अटेंडेंस के लिए लेती है, फिर उसके बाद मार्कशीट मतलब ऑब्जेक्टिव मारने के लिए मात्र 45 मिनट टाइम मिलता है, उसके बाद ले लिया जा रहा है, तो हम लोग का 30 मिनट तो ऐसे ही फालतू चला गया। तो मतलब समझिए तो यहाँ पर है ना 2 घंटा बच्चे लोग को बढ़िया से टाइम मिलता है लिखने के लिए। बच्चों के लिए ये लाचारी है एग्जाम देना? लाचारी तो है सर, क्योंकि पूरी तरह से पढ़ाई नहीं हुआ है। अब रहा बात अधिकतर बच्चा जो ऑनलाइन किया है चाहे कुछ भी किया है जो तरीका से पढ़ा है, उन लोग के लिए तो ठीक है, वो लोग बना दिया होगा, पर आप मतलब एक को देख के नहीं चलिएगा, सबको देखना है। तो यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर ये देना चाहिए सर कि मतलब कोई भी एक गवर्नमेंट का संस्था खोले वहाँ पर कोचिंग सेंटर,
जिस पर वे बच्चे लोग को है वहाँ पर फ्री में एजुकेशन दिया जाए, उनको हर विषय के लिए सुविधा दिया जाए सर। उसमें लैपटॉप देना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पर भी अधिक ऐसा बात नहीं है सर, बिहार में बहुत टैलेंट है, बिहार के हर बच्चे के पास टैलेंट है, इसीलिए अगर लैपटॉप भी देंगे तो उससे भी बच्चे लोग कुछ ना कुछ जानकारी करेंगे या कुछ बना सकते हैं अपना। यहाँ पर मौजूद हैं जो इंटरमीडिएट के दूसरी पाली के एग्ज़ाम जो है वो देने के लिए पहुँचे हैं। पहली पाली की जो प्रथम पाली है वो ख़त्म हो गई और दूसरी पाली को लेकर बस इंतज़ार कर रहे हैं समय होने का। करीबन 1:30 बजे अंदर इन लोग को घुसाना है, मतलब एग्ज़ाम रूम में ले जाना है, और उसके बाद जो एग्ज़ाम रूम में जाएंगे और अपनी पूरी जो तैयारी की है वो पूरा एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि जो है आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। और कई छात्र ऐसे हैं जो उनकी लाचारी है, क्योंकि तैयारी तो हुई नहीं, क्योंकि शिक्षकों को और स्कूल जो है वो पूरी तरीके से, कॉलेज कोचिंग संस्थान जो है, कोरोना की वजह से बंद पड़े हुए हैं, जिसके वजह से काफ़ी समस्याएं हो रही है छात्रों को पढ़ाई करने में, जिसके वजह से वो पूरी तैयारी नहीं कर पाए हैं। ये इनकी लाचारी है कि ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। आगे के अपडेट के लिए आप बने रहें 10 जून के साथ और देखते रहें 10 जून।